जय माता रानी। दोस्तों मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह आप सभी के इष्ट गुरुदेव भगवान माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। दोस्तों आप सबके लिए ढेर सारा प्यार और आज की बहुत ही खास बात, 101% यदि आपके घर में धन की दिक्कत है तो आज के बाद नहीं रहेगी। 101% आपके पास पैसा आएगा, 101% आप माला माल हो जाएंगे। कैसे होंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किन बातों से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, सारी बातें आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ जरूर शेयर करिए। किसी के पास भी धन की दिक्कतें नहीं रहें, जीवन में समस्याएं नहीं रहें, आप लोग खूब खुश रहें, आपके पास खूब पैसा, माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करो, बाजू बनी घंटी या बेल के आइकन को प्रेस करो, निःशुल्क है। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे और मुझे मिलेगा आप सबका ढेर सारा प्यार। दोस्तों पैसा पैसा कहाँ रुकता है, जो लोग पैसे की इज्जत करते हैं, पैसे का मान सम्मान करते हैं, उसे व्यर्थ नहीं उड़ाते। तो यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कभी भी धन की दिक्कत ना हो, फालतू खर्चा करना बंद कर दीजिए, पैसे को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पे ही खर्च करिए। आपको मैं बताऊंगी अपने घर में यदि जब पैसा आता है तो उसको आपको किस तरह से खर्च करना शुरू करना चाहिए। सबसे पहले आजकल सबके अकाउंट्स में सैलरीज आ जाती है तो कोई घर तनख्वाह लेके नहीं आता, बट फिर भी आपको जो भी है कम से कम 100-500 जो भी रुपए हैं ज़रूर निकालने चाहिए। अपने भगवान के मंदिर में ला के रखिए और आप वहाँ से भगवान से अनुमति लेके उस पैसे को खर्च करना शुरू करिए। जीवन में पैसे की दिक्कतें होना कम हो जाएंगी। आपके जो ईष्ट हैं, भगवान हैं, उनका नियमित आप जहाँ पूजन करते हैं उनसे बोलिए ये आपका दिया हुआ है, आप इसे जैसे चाहते हैं हम वैसे खर्चा करें, हमारे जीवन में धन की दिक्कत नहीं हो, सब मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ। वो आपको उसी पैसे को इतना ज़्यादा कर देंगे कि आप उसमें अच्छे से अपने घर का खर्चा भी चला पाएंगे, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो भी पूरी हो जाएंगी। तो अपने इष्ट का विधिवत पूजन करिए, घर की जो तनख्वाह है वो उनके हाथ में, वो आपके घर के मालिक हैं, ला के दीजिए, वो आपको खर्च करने का तरीका बताएंगे। आपने जो कमाया है वो सिर्फ आपका नहीं है, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रार्थनाएं करी हैं, आपके लिए बहुत सारी पॉजिटिविटी जुटाई है। तो आप अगर 10,000 कमाते हैं तो कम से कम अपनी कमाई का 1% यानी 100 रुपये का दान अवश्य करिए। जो इंसान दान नहीं करता उस इंसान की कमाई खुद के लिए होती है और वो उसे कभी फलित नहीं होती। तो यदि चाहते हैं घर में धन की दिक्कत दूर हो जाए तो कम से कम 1% पैसे का तो दान कर ही सकते हो। वैसे तो शास्त्रों में लिखा है यदि 10,000 कमा रहे हो तो 1,000 का दान करो, 10% का अमाउंट आपको दान के लिए निकाल के रखना चाहिए। भगवान उतना ही ज़्यादा देता है जितना आप दान करते हो। और दान कैसे करना है, दान करने के लिए कोई कुष्ठ रोगी हो, गरीब हो, सच्चा ब्राह्मण, अच्छा वाला ब्राह्मण, पढ़ा लिखा, गुरु हो, कन्या हो, संकट में फंसा हुआ कोई इंसान हो, किसी को भी दान दे दो। दान दे के अहंकार मत करना, लक्ष्मी जितनी तेज़ी से आपकी तरफ आ रही होगी ना उससे दुगनी तेज़ी से लौट जाएगी। तो भूल के भी अहंकार के दो शब्द मत बोलना, सब कुछ किसने दिया है, भगवान ने दिया है और भगवान के काम में लगा रहे हो, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो आप। दोस्तों गरीबी है, गरीबी से जो लोग परेशान हो रहे हैं वो नियमित रूप से यज्ञ करें। 10 या 20 रुपए के गाय के गोबर का उपला मिल जाएगा, बड़ा सा उपला आ जाता है, थोड़ा सा छोटा छोटा उपला, रोज़ उसे गैस पे गर्म करके वो सुलग जाए, उसमें थोड़ा सा हवन सामग्री डाल के हवन करना है घर में। जिस घर में नियमित यज्ञ होता है, हवन होता है, वहाँ से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती, धन की दिन पर दिन वृद्धि होती है। घर में दोस्तों तुलसी का पौधा ज़रूर रखो, ये आपके घर में लक्ष्मी को रोक के रखता है, क्योंकि तुलसी के पास कौन होते हैं, श्री हरि विष्णु, और विष्णु जी जहाँ होते हैं वहीं माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। ये नियम भूल के भी कभी भूलना मत, घर में तुलसी का पौधा ज़रूर ज़रूर होना चाहिए। तुलसी सूख जाती है तो 5 तुलसी लगाओ, एक न एक तुलसी उसमें से ज़रूर जिएगी और आपके घर में माँ लक्ष्मी को हमेशा के लिए रख लेगी। दोस्तों घर के आसपास, घर की बागड़ में, घर के 25 फिट के एरिया में कोई भी लंबा पेड़ मत लगाओ, जो कि आपके घर की दीवार से और ऊपर निकल जाए, यानी घर की जितनी लंबाई है उससे भी ऊंचा पेड़ यदि आपके घर के बाउंड्री के 25 फिट एरिया में है,
धन की दिक्कत 101% होगी, जो मैं बोल रही हूँ ना 101% यानी 101% होगी ही होगी। तो घर की बाउंड्री में लंबा पेड़ नहीं होना चाहिए। लंबा यानी कितना लंबा, जो घर की ऊंचाई से और ऊंचा हो जाए, जैसे आम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, जो बहुत ऊंचे ऊंचे पेड़ होते हैं ना, वो हमारे घर की बाउंड्री के 25 फिट में नहीं होने चाहिए। हैं तो क्या करो, छटाते रहो उन्हें, अपनी घर की ऊंचाई से कम रखो। घर में दोस्तों चींटियां, दीमक यदि घर बनाती हैं, बाम्बी बनाती हैं, छोटे छोटे किले जैसे अपने घर बनाती हैं ना, चींटी का, दीमक का छत्ता होता है, तो समझ जाओ गरीबी आने के संकेत हैं। घर में ये नहीं होना चाहिए। जो भी इलाज है, उपाय हैं, दवाइयाँ डालो, दीमक और चींटी के बड़े बड़े बाम्बी या छत्ते नहीं होने चाहिए। घर की उत्तर दिशा को बहुत ही साफ रखो। शाम के समय संध्या दीपक, वैसे तो सुबह और शाम दोनों समय दिया जरूर जलाना चाहिए घर में, पर शाम के समय आरती गानी है। जैसे अगर देवी जी की आरती गाते हो, विष्णु जी की आरती गाते हो, तो बोल के गाओ, ओम जय जगदीश हरे। बोलना है, बुदबुदा के नहीं गाना है, ऐसे गाना है आरती कि घर में जो भी लोग हैं उनके कानों में कुछ शब्द पड़े, घर के हर कोने में आपकी आवाज़ का वाइब्रेशन जाके लगे। पैसा ऑटोमेटिक, माँ लक्ष्मी ऑटोमेटिक आपके घर में वास करेंगी। आपने यदि किसी को गुरु बनाया है, आपने किसी से गुरु दक्षिणा ली है, तो उनको घर बुला के उनका सेवा करो, पूजन करो, उन्हें खाना खिलाओ। ऑटोमेटिक श्री हरि विष्णु आपका गुरु अच्छा करेंगे और आपके घर में पैसा ही पैसा आएगा। घर में सर्पगंध की जड़ लाकर इसे टांग दीजिए। मेन डोर के एंट्रेंस पे भी टांग सकते हो और घर के उत्तर दिशा में भी टांग सकते हो, या जिस कमरे में आपने तिजोरी रखी है, उत्तर दिशा से याद आया तिजोरी घर में पैसे रखने का स्थान, घर का जो उत्तर डायरेक्शन है वहाँ पे आपको पैसा रखना चाहिए। यदि आपकी अलमारी किसी और डायरेक्शन में भी रखी है, तो एक बॉक्स रख लो, वहाँ पे आप अपना चेकबुक, बैंक की पासबुक, घर के सोने चांदी का सामान उत्तर की डायरेक्शन में लॉक करके एक बैग में ही सही, पर उत्तर दिशा में रखते हो, तो आपके घर में लक्ष्मी स्थापित होती है, आपके घर में लक्ष्मी लंबे समय ठहरती है। इसके बाद दोस्तों, जिनके भी घर में, ये दोस्तों क्या है, ये है एक चुंबक जो डायरेक्शन दिखाती है, मार्केट से ले आओ, बहुत ही सस्ती मिलती है। प्लीज़ घर में ज़रूर देखना कहीं दक्षिण पूर्व की दिशा में पानी तो इकट्ठा नहीं हो रहा, हो रहा है तो आपको कंगाली से कोई नहीं बचा सकता, यानी आपके घर से पैसा जा रहा है और गरीबी आ रही है। दक्षिण पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में घर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है। किसी भी कारण से इकट्ठा होता है उसको साफ रखें, उस जगह को सूखा रखें। इसके बाद जो पानी है दोस्तों, पानी से आप लोग सोचते हो सिर्फ ये पानी है, ये पानी मनी है, लिक्विडिटी है, आपके पास रहने वाला पैसा है, आपकी इनकम में से बचा हुआ पैसा है। इसको अगर आप बर्बाद करोगे तो आपके जीवन में भी पैसा नहीं होगा, तो पानी की भी बर्बादी मत करो। पीने के बाद आधा गिलास पानी पिया, आधा गिलास पानी फेंक दिया, मत करो। जितना पानी पीना है उतना ही पानी पियो। पानी को लेके सावधान रहो, नहाते समय, कपड़े धोते समय, कोई भी काम करते समय घर में पानी की बर्बादी मत करना, वरना पैसा भी वैसे ही बर्बाद होता है। घर में लीकेज पाइप हो, लीकेज नल हो, सुधरवा लो। जितना सुधरवाने में खर्चा आएगा नहीं, उससे ज़्यादा पैसा निकल जाएगा, तो इसलिए पानी की बर्बादी नहीं करनी है। घर की उत्तर पश्चिम की दिशा में, उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट की दिशा में पानी हमेशा भर के रखना चाहिए। रोज़ पानी भर के रखो, उसको यूज़ कर लो और फिर उस पानी को फिर से रिफिल कर लो। अगर ऐसा नहीं कर सकते, पानी का फव्वारा लगा दो, कोई पानी वाला ऐसा शोपीस लगा दो जिसमें पानी रहे। फिश एक्वेरियम लोग बाग ला ला के रख देते हैं, तो कुछ भी जहाँ पानी हो उत्तर पश्चिम की दिशा में हमेशा पानी भर के रखना चाहिए। घर में दोस्तों कई बार पुराने ज़माने के जो घर बने होते हैं उनमें चारों दिशाओं में गेट खुलते हैं अगर, तो घर में रुपए पैसे की भारी दिक्कत होती है। ये घर वैसे ही है जैसे चौराहा होता है ना, जहाँ ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी आ जाती है,
वैसे ही अगर आपके घर में चारों डायरेक्शन में गेट हैं, मेन डोर टाइप डोर, पूरा खुलने वाला डोर, तो आपके घर में पैसे की किल्लत बनी ही रहनी है। दोस्तों, आप अपने घर की जो पश्चिमी दीवार है या पश्चिमी कोना है, घर का वेस्ट कॉर्नर, वो दीवार नुकीली नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, जब भी दीवार बनाते हैं उसके कोने को एक सा करते हैं, पर कई बार क्या होता है, लोग बाग कंस्ट्रक्शन ढंग से नहीं कराते, सोचते हैं तो बाहर का काम है, नुकीली है, छोड़ देते हैं। बाद में यही जो पश्चिमी दीवार का निकला हुआ कोना है ना, ये उस घर में लक्ष्मी को स्थापित नहीं होने देता, पैसा नहीं आने देता। तो दोस्तों, वो घर में पैसे की दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ोतरी हो 101%, हम सबके जीवन में पैसा धन बना रहे, इसके लिए आपको इन कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। अपने सोने चांदी हीरे सभी जेवरातों को उत्तर की दिशा में तिजोरी में रखना है, जिससे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा स्थापित रहती हैं। उत्तर की डायरेक्शन में श्रीयंत्र स्थापित करके उसका पूजन करना है। दोस्तों, श्रीयंत्र का पूजन करने से श्री यानी स्थिर लक्ष्मी का वास हम सबके जीवन में होता है। तो माँ लक्ष्मी की धन की आपके जीवन में बिल्कुल कमी ना हो, आप लोग दिन दुगने रात चौगने तरक्की करें, ऐसी कामना करती हूँ। और अगर आज का वीडियो दोस्तों अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, अपना ढेर सारा प्यार देना, कमेंट्स करना, मेरे साथ इसी तरह बने रहना। अगली बार फिर आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों। मेरे सभी वीडियोज़ देखने के लिए कमेंट सेक्शन का पहला कमेंट ज़रूर देखिए। ढेर सारा प्यार आप सबके लिए।